बार बार घड़ी देखने से वक्त नहीं बदलता, पढ़ाई पे ध्यान दे। यार वो पिछले दो हफ्ते से इसी टाइम पे सारे क्लासेस में जाके अनाउंसमेंट करता है, हमारे क्लास में भी आता ही होगा। अरे वो हमारा सीनियर है, कोई आरजे नहीं है कि सेम टाइम पे आकर अनाउंसमेंट करेगा। लेक्चर पे ध्यान दे। कॉलेज है, लेक्चर पे कौन ध्यान देता है। वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे सबको किसी ना किसी के नोट्स लेने हैं, जेरोक्स करने हैं और उसी से पढ़ना। ना ना ना, किसी ना किसी के नहीं, मेरे नोट्स लेके जेरोक्स कराते हैं। और तूने ना लास्ट टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने मेरा नंबर मेरे नोट्स के लास्ट पेज में लिख दिया और उस पर लिख दिया कि इस नंबर पे कॉल करे, अकेलापन दूर करे। आज भी मुझे ना कॉल्स आते हैं। सुन, इसी बहाने दो तीन लड़के तुझे कॉल तो करते हैं ना। हे, कीप क्वाइट। एक्सक्यूज मी मैम। बैठ जाओ गाइस, बैठ जाओ। सुन लिया करो अपने टीचर्स की प्लीज। मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई मेक एन अनाउंसमेंट प्लीज। बोलो यश, ये भी कोई पूछने की बात है। सो स्वीट ऑफ यू मैम। आई नो। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अगले हफ्ते फाउंडर्स डे है और इस साल मेरा बैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है। व्हाटएवर यू गाइस फील कंफर्टेबल विद, प्लीज कंट्रीब्यूट ताकि हम अपने टीचर्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो यश, क्या इस बार भी तुम पिछली बार की तरह शर्ट उतार के डांस करने वाले हो? नहीं मैम, इस साल मैं बस ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। But I'll dance with you. Guys, ठीक है, किसी को भी कोई confusion हो, कोई doubt हो, मैं break में library के बाहर रहूँगा। जाना, बात करना। कॉलेज की stereotypical पढ़ाकू introvert लड़की मैं हूँ, तेरी क्यों फट रही है? यार confident लोग दिन में 20-22 घंटे nervous नहीं हो सकते क्या? वैसे भी आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड है यार, उसका ब्रेकअप हो गया है। तुझे कैसे पता? टिंडर पे देखा मैंने, तेरा प्यार है इसलिए लेफ्ट स्वाइप कर दिया मैंने। दिखा फोन, दिखा। तुझे पता है कॉलेज के सारे एलिजिबल लड़के टिंडर पे, अभी मिलेगा देखा। Actually Yash from TYBcom. Yes. Is this Sonia from SYB? गॉड, तुम मुझे जानते हो? ऑफ कोर्स, हम तुम्हारे फ्रेशर्स पार्टी में मिले थे और तुमने नर्वसनेस में मेरे ऊपर पेप्सी गिरा दी थी। ओ गॉड, तुम्हें याद है? आई एम रियली सॉरी। अगर हम कभी मिले तो आई विल मेक अप फॉर इट, प्रॉमिस। तो फिर मिलते हैं। श्योर, बट कहाँ? जहाँ भी, इतना बड़ा कॉलेज है, कहीं भी मिल सकते हैं। अबे सॉरी। हाय, आई एम सॉरी। आई कैंटीन। हाँ कैंटीन। या कम आफ्टर। देख के थोड़ी गर्म है, बहुत भूख लग रही है यार।
तुमने कभी बात क्यों नहीं की? मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो. मेरा तो 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया. क्यों? उसको मैगी इतनी पसंद नहीं थी. अरे खाओ प्लीज प्लीज खाओ. आई जस्ट किडिंग. इट वाज जस्ट के वी ग्रू अपार्ट. काफी टाइम तक यू ट्राइंग टू स्ट्रेच इट बट डिडंट वर्क आउट. बट आई थॉट कि तुम भी किसी को डेट कर रही हो. नहीं मेरा कोई आई एम सिंगल. आई एम नॉट डेटिंग एनीवन. और तुम्हारी वो एक दोस्त है ना जिसके साथ तुम हमेशा रहती हो. अरे उसके साथ थोड़ी ना कोई सीन है. उसके साथ भी कोई सीन नहीं है. वी जस्ट फ्रेंड्स. नहीं नहीं मैं बस ये कह रहा था तुम पीछे बैठ के हमारी बातें क्यों सुन रही हो. हेलो माँ. जय श्री कृष्णा. उसके इश्यूज हैं पर वो अच्छी है. इनफैक्ट टिंडर पे जाके तुम्हें स्वाइप राइट करने के लिए मोटिवेट उसी ने किया था. बहुत सही टाइम पे मोटिवेट कर दिया. मैं वैसे भी 6 महीने में पास आउट हो जाऊंगा. और उसके बाद अब्रॉड फॉर द स्टडीज. काफी लेट हो गई ना मैं. तुमने आनंद फिल्म देखी? उसमें ना राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. तो जितना टाइम है उसे एंजॉय करना चाहिए. साथ में स्पेंड करते हैं कौन से. स्वाइप राइट करेगी क्या? हर कोई तेरे जैसा लकी नहीं होता ना. वैसे वो है कहाँ? पता नहीं ना यार. उसका लास्ट डे आज कॉलेज में. इसके बाद हम पता नहीं कब कॉलेज में मिलेंगे. फिर एग्जाम की छुट्टी होने वाली है. मेरी तो गाप. गाना? कौन सा गाना? कोई गाना नहीं. हाय. 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 यहाँ बहुत तो आवाज नहीं हो रही है. बाहर चले क्या? हाँ चलो. लिसन नो. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ना कॉलेज के जो सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो कॉलेज में ही खत्म हो जाते हैं. वो कॉलेज से आगे बढ़ते ही नहीं है. बिकॉज एवरी वन ग्रोज अप इन लाइफ यार. और तुम तो वैसे ही अब्रॉड जा रहे हो. तुम इतने सारे लोगों से मिलोगे और वहाँ की लड़कियाँ तो कत्ल होती हैं. मेरा तो चांस ही नहीं है उनके सामने. और वैसे भी नो इट्स ओके. लिसन आई अंडरस्टैंड. आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन हु होल्ड्स यू बैक यार. नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी ऑन माई ओन यार. मैं अपने आप कार्तिक आर्यन के इंटरव्यूज रिपीट में देख के सो सकती हूँ. रियली डोंट. अरे शट अप एंड लिसन टू मी. बोलती ही जाती हूँ. तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा पर हम पहली बार तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी में मिले थे. और मुझे तुम तब से पसंद हो. तब से. उसके बाद से आई बीन इन अ रिलेशनशिप बट पता नहीं क्यों एवरी टाइम समथिंग वॉज मिसिंग. लेकिन जब से तुम्हारे साथ हूं ना कुछ भी करता हूं. एनी थिंग एंड एवरी थिंग इट सीम्स परफेक्ट. जो चीजें नहीं भी परफेक्ट लगनी चाहिए ना वो भी परफेक्ट लगती है पता नहीं क्यों. All I'm trying to say is that we should do a long distance relationship. They don't work out. कोई भी सर्वे पढ़ लो यार वो फिजल आउट हो जाता है क्योंकि लोगों को प्रॉक्सिमिटी चाहिए होती है. अब पास में नहीं होगे तो कहाँ से रिलेशनशिप होगा यार. चीट करने लग जाते लोग एक दूसरे. हर सर्वे भाड़ में गए सर्वेस. भाड़ में गई स्टैटिस्टिक्स. ये सब करने से पहले सोचा था स्टैटिस्टिक्स के बारे में? नहीं सोचा था ना.
तो आप क्यों सोच रही हो? वी कैन मेक आर ओन स्टैटिस्टिक्स एंड आई डोंट केयर अबाउट देम ऑल्सो. ऑल आई केयर अबाउट इज आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू. क्या इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है? सुनिया देख, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल, बाउंसर यॉर्कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता. ऑल आई नो दैट आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड आई रियली लव यू. I love you too. And you be all right. Gussa. Acha, one more thing. Before we get into this, I really want to know. Ki hum dono ki relationship mein ye tumhari dost hamesha hamari baatein sunti rahegi kya? Nahi yaar, yaar maine dekho bola tha. Arre nahi 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 nahi. Kya maine usse bola tha? Aaj RVCJ. यार तू उसके साथ ही चल. Come, baby. Come here. पक्का? Yes.